ए नाम के लोगों के लिए वर्ष 2022 क्या सौगात लेके आएगा, आज इसी पर चर्चा कर रही हूँ। नव वर्ष की अग्रिम बधाई आपको, एडवांस में बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ नव वर्ष आपके लिए बहुत शुभ संदेश लेकर आएगा, और इसी प्रयास से आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास है, और ए नाम वालों के लिए ही आज का ये अल्फ़ाबेट केंद्रित है, लेकिन अन्य अल्फ़ाबेट पर भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी और आपको जानकारी दूंगी। तो आइए ए नाम वालों के लिए फॉरकास्ट जानना शुरू करते हैं। लेकिन ए नाम के बहुत व्यक्ति होते हैं, और ये फलादेश डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि हर किसी पर लागू नहीं होता, क्योंकि कई बार जन्मकालिक राशि कुछ और होती है और बोलता नाम कुछ और होता है, या आपको ऐसे ही सलाह दी जाती है कि ए पर नाम रख लो, आपके लिए लकी है। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, और ये आपके ऊपर कितनी लागू होंगी कितनी नहीं होंगी, ये तो आप मेरे प्रेडिक्शन को देखकर ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और ये मैं आपको आज जानकारी देने जा रही हूँ, 2022 क्या सौगात लेके आएगा ए नाम वालों के लिए। ए नाम वाले जातक सूर्य द्वारा शासित होते हैं, और इनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये दूसरे पर छा जाने की कोशिश करते हैं, इनको सम्मान की बहुत भूख होती है, और ये जायज़ भूख की बात कर रही हूँ मैं, कि हर किसी की ये नियत होती है कि उसको सम्मान मिले। तो इसमें कोई ए नाम वाले वालों की गलती नहीं है, लेकिन हर कोई अच्छे कर्म करे तो समाज उनको सम्मानित अवश्य ही करता है। हालांकि ए नाम वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, और अपने अधीनता सब पर थोपते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। और ऐसे लोग मिलनसार भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, और इनके लिए जो 2022 है बहुत अच्छी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। जनवरी के महीने में किसी खास समस्या का निवारण होगा, आपको तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जनवरी के महीने में। किसी जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके घर में कोई खुशी का उत्सवी माहौल है, तो ये इसमें बढ़ोतरी होगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धि मिलेगी। इनका मंगल भी अच्छा होता है, तो ये साहसी भी बहुत होते हैं, वीर भी होते हैं, और नॉर्मली ये वीरता के काम भी करना पसंद करते हैं। ये बहुत फुर्तीले होते हैं। इनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत खास है, और अक्टूबर के महीने में कोई अच्छी अचीवमेंट इनको मिलेगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है, और पारिवारिक खुशी भी हो सकती है, व्हीकल भी ले सकते हैं आप, ऐसी उपलब्धि आपको मिलेगी। घर का मकान भी आपका बन सकता है, विवाह का योग भी आपका पूर्ण हो सकता है, मतलब अच्छी 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 बातें आपके जीवन में अक्टूबर माह में होंगी। मई के महीने में भी आपको बहुत खुशियाँ मिल सकती हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई अवार्ड भी आपको मिल सकता है, और ये अवार्ड आपको अच्छे कर्म के लिए मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा। अप्रैल का जो महीना है, कोई टेंशन वाली बात हो सकती है, तो अप्रैल का महीना सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। आपके लिए प्राय 1 तारीख, 10 तारीख और 29 तारीख और सॉरी 28 तारीख और 19 तारीख लकी रहती है, तो आपको इस डेट को ही खास काम निपटाने चाहिए। अगर आप लोन लेने के सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, मार्च के बाद ही लोन की प्रक्रिया आरंभ करें तो आपको लाभ होगा और हानि नहीं होगी। आपके लिए मैरून, बैंगनी और गोल्डन कलर शुभ होते हैं, आपको इनका अधिक प्रयोग करना चाहिए। आपको हरे रंग से पूर्णतः बचाव करना चाहिए और बचना चाहिए हरे रंग के प्रयोग से। वैसे तो रेकी की बात करें तो हमारे चक्रों के कुछ कलर होते हैं, और कलर थेरेपी बहुत काम करती है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में। तो आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर कलर यूज़ में लेना चाहिए, और हर कलर के फ्रूट खाने चाहिए आपको, तो ऐसे आपका स्वास्थ्य भी उन्नत रहता है और आपकी तरक्की भी होती है, और चक्रा से जुड़ी हुई बातें जो आपके जीवन में घटित होती हैं उनमें भी परफॉर्मेंस में बहुत फ़ायदा होता है। जून का महीना आपके लिए विशेष खास है। जून के महीने में आपके घर में कोई खुशीनुमा समाचार आ सकता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है चिंता की, लेकिन उनका ध्यान अवश्य ही रखें। कुल मिला के ए नाम वालों का नेचर अच्छा होता है, बस थोड़ा छा जाने की कोशिश करते हैं, सबको अपना समझते हैं, और उनसे भी ये महसूस करते हैं कि वो भी उनको अपना समझे, लेकिन धोखेबाजी का शिकार होते हैं, आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि आप
इंटेंशनली कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन उसकी उस बात का बतंगड़ बन जाता है और आपको अपमानित भी होना पड़ता है, जो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इसकी आप कोशिश करें कि ऐसी स्थिति आपके मतलब अंदर नहीं आए। और अगस्त का महीना थोड़ी सावधानी से रखें, सावधानी रखें अगस्त के महीने में, स्पेशली जो 8 तारीख है या जिसका टोटल 8 आता है, 17 तारीख है या 26 तारीख है, इस इन दिनों में कोई ख़ास निर्णय लेने से बचें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपके लिए मोती रत्न या मून स्टोन रत्न बहुत शुभ होता है, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि किसी पंडित जी को अपने जन्मपत्री दिखाकर ही आप ये रत्न धारण करें। अगर आपको अपनी जन्मपत्री पता नहीं है तो आप ऐसा उपाय कर सकते हैं, जैसे सोमवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। इनसे आपको मानसिक तनाव कम होगा, झगड़ा किसी से नहीं होगा आपका, और आपके जीवन में खुशहाली आएगी और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि कोई भी नग पहनने से हमको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन व्रत और पूजा ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देना भी आपके लिए शुभ होता है। रविवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, रविवार का व्रत भी आपके लिए फलदायी होता है और इसके तहत आपको यश कीर्ति मान सम्मान बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो रविवार का व्रत करें, नमक ना खाएं, नमक कम खाएं आप तो भी आपकी प्रसिद्धि दुनिया में फैल सकती है। आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी बहुत शुभ होता है। आप पूजा स्थान में मंगल यंत्र स्थापित करें और मंगल देव के मंत्रों का जाप करें तो भी आपको फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको दी ए अल्फ़ाबेट के लिए 2022 के फोरकास्ट बताई मैंने आपको। हालांकि इनके लिए पूरा वर्ष ही मध्यम फलप्रद रहेगा और इनको बहुत समय पर कुछ उपलब्धियां भी होंगी अच्छी और कुछ माइनस पॉइंट भी उनको झेलने पड़ेंगे। तो मिला जुला रहेगा 2022 साल, लेकिन जो मूलांक है 6 है और जिनका शुक्र अच्छा होगा उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इस वर्ष मिलेंगे। तो ए नाम वालों की कुंडली में अगर शुक्र की अच्छी स्थिति है तो इनको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और बहुत कुछ डिपेंड करता है महादशा पर भी, अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा चल रही है तो आपको बहुत अच्छे फल इस अवधि में मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी लाभप्रद रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना। ए नाम वाले अन्य कोई आपके फ्रेंड सर्किल में है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं ये जानकारी, जिससे उनका भी भला हो सके और उनको भी सारी जानकारी मिल सके। इससे आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे यूट्यूब पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखने की भेजने की ज़रूरत नहीं होती। हम डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जानकर आपकी कुंडली निर्मित कर लेते हैं और उसके थ्रू आपको भेजते नहीं हैं कुंडली, लेकिन परामर्श अवश्य भेज देते हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या लाभ की प्राप्ति हुई। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।